अगर आप अभी एम एफ आई सी ग्रोथ देख लीजिए आप एन बी एफ सी से ग्रोथ देख ही चुकी हैं बैंक जो है एस बी आई जैसा बेस और लार्ज स्केल ऑपरेशन वाला बैंक चौदह परसेंट पंद्रह परसेंट की क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो इंडस्ट्री में क्रेडिट ग्रोथ बहुत मजबूत है और आर बी आई ने अपनी बातचीत में यह भी कहा है कि थोड़ा केयरफुल रहिए रिस्क मैनेजमेंट पर कमजोर uh, कमजोर मत होने दीजिए उसको उस पर अपनी कमर एकदम कस के रखिए और दूसरा ये कि आप जो है जितने मेजर्स हैं कोई भी लापरवाही ऐसे समय पर नहीं करी क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि सबसे अच्छे समय में ही हम थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं okay. तो ये मैसेज गवर्नर साहब का जो आया वो बहुत शानदार था और उसके अलावा बुलेटिन में भी ये बताया कि भाई कितनी अच्छे हाल में है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स इकोनॉमी के इनफैक्ट अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो ट्रैक कर रहे हैं ये कॉमेंट्री आइए उनसे जानते हैं और डिटेल्स आरबीआई बुलेटिन की अंकुर जी हाँ भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे लेकिन पक्के से यहाँ पर रिकवर हो रही है ऐसा कहना है जो स्टेट ऑफ द इकोनमी का सेक्शन होता है आरबीआई बी बुलेटिन में वहाँ पर ये कमेंट्स दिए गए हैं ये बुलेटिन हर महीने रिलीज होता है और मई के बुलेटिन में ये पर्टिकुलरली बोला गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो पाँच से कम आए हैं और ये अच्छे संकेत हैं इसके अलावा ये भी जोर दिया गया है कि जो कॉरपोरेट अर्निंग्स आई हैं इस बार वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन दिखाया और पर्टिकुलरली अगर हम बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो मजबूत क्रेडिट ग्रोथ की वजह से नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिले हैं आपको हम याद दिला दें कि पीएसयू बैंक्स uh, के पर्टिकुलरली पूरे साल के अगर नंबर्स की बात करें जो रिपोर्ट हुए हैं वो एक लाख करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है और ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी uh, अच्छी ग्रोथ इस बार देखने को मिली है जी uh, नंबर्स uh, की बात करें तो यहाँ पर uh, पूरे साल का अनुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछली बार रिलीज़ uh, किया था कि वो सिक्स फाइव परसेंट तक का है और uh, अभी uh, uh, कहना है कि जो आने वाला क्वार्टर है वहां पर प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से जो आंकड़े हैं वो मजबूत दिख सकते हैं हालांकि अभी भी बार-बार आरबीआई बोल रहा है कि यहाँ पर आराम करने का समय नहीं है और जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाने चाहिए ठीक है ये तो बयान था गवर्नर साहब का आरबीआई बुलेटिन की बात कर रहे थे हम रिकवरी को गति देने के लिए कीमतों को स्थिर रहना जरूरी है इन्फ्लेशन के बारे में है ग्रोथ के बारे में है क्रेडिट ग्रोथ के बारे में ये इंपॉर्टेंट था लेकिन